तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है फिर भाई लोगों के? आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई टाइटल देख के थोड़ा तो समझ गए होंगे आज का ब्लॉग किस बारे में होने वाला है। तो खैर, आज है संडे राइड हमारी और आज का दिन बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा फॉग मिल रहा है रास्ते में। बाकी जो टाइटल है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ये जेन 3 हायाबूसा सिल्वर मैट को सेल कर दूँ। तो आप रिकमेंड करो कमेंट सेक्शन में कहाँ सेल किया जाए और क्या बेस्ट प्राइस मिल सकता है, क्योंकि अभी तक अराउंड 7000 किलोमीटर चली है खाली और सर्विसेज वगैरह सब ऑन पॉइंट हैं, रिकॉर्डेड हैं। तो आप बता सकते हो कि भाई कहाँ पे सेल किया जाए अगर करना है तो, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ और, तो वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में आगे पता लगेगा। खैर, अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर कि बाइक चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, फॉग जमे जा रहा है हेलमेट पे और पिन लॉक मैंने लगाया हुआ नहीं है। तो आई होप जो भी बाइक ड्राइव करते होंगे उनको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ऊपर से मैं स्पेक्स भी लगाता हूँ तो स्पेक्स पे भी फॉग जम रहा है। तो पहले थोड़ा सा राइड करते हैं। ये सब ग्रुप है अभी जो हम एक पॉइंट पे मिले हैं, अभी आगे जाके और बाइकें जुड़ेंगी तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और बाकी ठंड बहुत है मेरे भाई, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन आज ग्रुप भी उतना ही बड़ा है, जितनी ठंड उतना बड़ा ग्रुप, तो मज़ा आने वाला है। बाकी चलो कंटिन्यू करते हैं आगे राइड को, लेट्स गो। अच्छा, एक बात तो बताना भूल ही गया कि हम लोग की एक ट्रिप भी प्लान हो रही है जो कि हो रही है रणथंभौर की तरफ सारी हायाबूसास के लिए। तो देखते हैं वो राइड कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उससे पहले कहीं सेल ना कर दूँ मैं बाइक। बाकी लेट्स सी, वो तो आपको आगे ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो भाई इसे देख लो क्या तेज़ी में दौड़ा रहा है एकदम, ये अलग हम लोगों के साथ रेस लगा रहा है। सही है भाई। भाई लोग यहाँ पर हो रहे हैं हम रीग्रुप और यहाँ से फिर जाएंगे सीधा अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट। तो आप सारी बाइकें देख सकते हो आज ग्रुप में कितनी सारी बाइक्स आई हुई हैं और कितने सारे राइडर आए हुए हैं, जबकि इतना ठंडा मौसम हो रहा है, फॉग इतना है वो आप देख ही सकते हो कैमरे में, बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी सारे राइडर्स की हिम्मत है जो आ चुके हैं। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कंटेंट तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, तो इन्जॉय करो उसको। बाकी ये बढ़िया रॉकेट, हेलो जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। भाइयों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, कंटेंट तो रिकॉर्ड करना ही है चाहे टाइम लगे या ना लगे। भाइयों ये ब्लू कलर की बाइक कौन सी है कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी फटाफट, देखते हैं किस किस को पता है। तो भाई लोग अब यहाँ से हो रही है चलने की तैयारी, सीधा निकलेंगे अब यहाँ से ब्रेकफास्ट पॉइंट के लिए। अब आप देख ही सकते हो फॉग कितना आ रहा है, अभी मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखाता हूँ कि कैमरे पे भी पूरा ओस जम गई है तो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो पहुँचते पहले फटाफट अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पर और वहाँ पर करते हैं कैमरा साफ और फिर करते हैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो दिख रहा है ना कितना गंदा फॉग ही इतना हो रहा है कि ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है, आज ठंड भी बहुत है। चलो करते हैं राइड को कंटिन्यू, मिलते हैं आगे, बाकी फिर डिस्कस करेंगे बाइक के बारे में कि बाइक क्यों सेल करना चाह रहा हूँ मैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ और चीज़ की प्लानिंग चल रही है और वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट भी हो गई है, तो देखते हैं कब तक वो प्लान एक्सिक्यूट हो पाता है। थोड़े दिन बीच में राइड वाले व्लॉग शायद ना आ पाएँ, तो भाई वो साथ बनाए रखना। तो भाई लोग हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। अभी आपको तसल्ली से दिखाता हूँ बाइक सारी, फटाफट बाइक देखो फिर उसके बाद चलते हैं अंदर ब्रेकफास्ट करने, लेट्स गो। बाकी
दोनों कैमरे है ना? हाँ तो बटन दोनों ऑन रहते हैं, एक बटन से। वैसे आप इसमें सेटिंग भी कर सकते हो कि आपको एक कैमरा यूज करना है अगर फ्रंट का। बाकी ये अभी इधर से भी रिकॉर्ड हो रहा है, इधर से भी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी दोनों साइड से हो रहा है। बाकी इसका ऐप है, उसमें वीडियो आप देख सकते हो सारे, जो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो ना। तो भाई लोग हो चुका है ब्रेकफास्ट डन, अब निकलने की हो रही है तैयारी, करते हैं व्लॉग को आगे कंटिन्यू। सो लेट्स गो। तो आपने 3 लाख रुपए के एग्जॉस्ट का साउंड तो सुन लिया होगा, योशिमुरा फुल सिस्टम था वो बाइक अपने। और कैसी लगी साउंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या वो मुझे अपने बाइक में लगवाना चाहिए या नहीं ये भी बताना, या कोई और एग्जॉस्ट आप सजेस्ट करना चाहोगे तो वो भी ज़रूर बताना। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए तो प्लानिंग यही चल रही है कि इसको सेल कर दिया जाए हायाबुसा को, अपने सिल्वर मैट को, क्योंकि कम ड्रिवन है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कि शायद अच्छा एक प्राइस मिल जाए, और दूसरी चीज़ जो मैं प्लान कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली वो भी थोड़ा बहुत पैसा डाल के आ जाए। तो अब देखते हैं कि भाई पुराना जाएगा तो नया तो कुछ आएगा ही, लेकिन क्या आता है उसके लिए तो आपको व्लॉग्स में जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स के थ्रू ही आप लोग को ज़्यादातर पता चलेगी। तो रखते हैं इस व्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल दैन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई सेल कहाँ करी जाए, ठीक है? अगर आप लोग को पूरा पता है और आपका ट्रस्टवर्दी वो वेंडर है तो ज़रूर मुझे बताना, ताकि मैं उनको कांटेक्ट कर सकूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।